हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24x7 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका सोलार एक्टिव फार्मा साइंस का, और इसको समझने की कोशिश करेंगे इसके ईपीएस ग्रोथ के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें चल रही हैं, इसका फ्यूचर क्या है, और क्या इसके जो एपीआई का जो मार्केट है उसका क्या ग्रोथ है, कंपाउंडेड ग्रोथ क्या है, सीएजीआर क्या है आने वाले समय का, और कहाँ पे जिस कंपनी का वैल्यूएशन ठहरता है उस चीज को भी देखने की कोशिश करेंगे, क्या ये एक्चुअल में अंडर वैल्यूड है या नहीं है वो चीजें देखेंगे, और जो रिसेंट में गिरावट आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या इंटरनल मैटर है, वो सारी चीजों को डिस्कस करने के पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जो है आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं देखता हूँ दोस्तों आप लोगों से बहुत सारे लोग जो है फॉलोअप नहीं करते हैं, अगेन जो है आपको विजिट नहीं करते हैं साइट्स को, क्योंकि देखिए आप चैनल को विजिट नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, तो मैं रेगुलर जो है एक इंटरवल के बाद जो है फिर से उस शेयर के बारे में बनाता हूँ। मैंने इसके पहले भी इसको जब 1600 1700 लेवल पे था तब भी मैंने अंडर वैल्यूड बोल के इस पर एक जो है डिस्कशन किया था, उसके बाद आज देखिए ये गिर के ये शेयर जो है 1100 1200 के नीचे नीचे आ चुका है। तो वहां पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको घबराना चाहिए नहीं घबराना चाहिए, तो उस चीज को आप समझेंगे फंडामेंटल के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं यहाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग थोड़ा चार्ट पे भी देख लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका सोलार एक्टिव फार्मा जो है कितना फास्ट ग्रोइंग ईपीएस है। तो वहां पर देखिए दोस्तों, यदि ईपीएस का इसका बात किया जाए तो 49.86 इसका ईपीएस जो है 63.81 हो गया है जस्ट 1 ईयर में, और ये बहुत ही इंप्रेसिव गेन है 28% का। तो 28% का इसका ईपीएस ग्रोथ है। वहीं पे सोलार एक्टिव फार्मा साइंस का देखा जाए शेयर होल्डिंग शेयर होल्डर जो है कॉन्फिडेंस है, वहां पे देखिए एबिटा देखा जाए तो एबिटा मार्जिन वहां पर देखिए 14% to 17% हुआ है, और रिवेन्यू भी जो ग्रोथ हुआ है, तो दोनों फंड पे जो है अपना अच्छा काम कर रहा है। और वहीं पे बात करें इंडियन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिकेट मार्केट का, जो कि अभी बात करें तो 12.24% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, और एपीआई मार्केट जो है स्टूड करती है 11.8 बिलियन बाई 2021 तक में, जो है 11.8 बिलियन जो है मार्केट इसका जो है, और ये ग्रो भी कर रही है कंटिन्यूसली जो है 12.24% के सीएजीआर से। और की मार्केट प्लेयर इसमें देखा जाए कौन कौन से हैं, तो देखा जाए तेवा एपी इंडिया है, फाइजर है, ग्लैक्सो है, लॉरस है, आरती है, आयोल है, इपका है, डिवीज लेबोरेटरी है, ग्रेनुल्स है, और सोलार एक्टिव फार्मा जो है इस क्षेत्र में है जो एपीआई बनाती है, और इस ग्रोथ का फायदा इनको आने वाले समय में मिलेगा। अब बात कर ले इसके वैल्यूएशन वाइज का, तो देखिए वैल्यूएशन जो है इसका जो है फेयर वैल्यू देखा जाए दोस्तों तो 70.1% अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड होने के बावजूद भी ये शेयर जो है गिर रहा है आज के डेट में। ये मैंने कल के बनाया था, वहां पे 1245 का था, आज तो 1100 के 1200 के नीचे जा चुका है, और फेयर वैल्यू कहीं पे इंक्लूड करता है दोस्तों तो वो 4169.53। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये रिसर्च कहीं से उठाया है, वहां से मैंने ये मैं वहां से बता रहा हूँ। और ये बात करें कि ये जो है बिलो फेयर वैल्यू जो है काफी फेयर वैल्यू का 70% नीचे है, 70 to 80% नीचे है, तो ये चीज़ें हैं। और बात करें प्राइस टू अर्निंग का दोस्तों, तो वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं प्राइस टू अर्निंग क्या है। तो सोलारा का जो है बहुत ही अच्छा गुड वैल्यू है, पी वैल्यू देखा जाए तो 19.5x कंपेयर टू द इंडियन इंडस्ट्री, और बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कितना है तो 23.4x, तो वहाँ पर क्या है 19.5x, और वहीं पे पी वर्सेस मार्केट देखा जाए तो सोलारा का जो पी है दोस्तों वो 19.5 है, और इंडियन मार्केट का देखा जाए तो 20.7x है, यानी यदि इंडस्ट्री की बात की जाए तो 23 और बात किया जाए इंडियन मार्केट का तो 22, वहाँ दोनों ही लेवल पे ये जो है अच्छा बैठता है। और बात कर ले प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ का इसमें, तो सोलारा का ग्रोथ देखिए वहाँ पे 0.8x है जो काफ़ी इंप्रेसिव है, और पीवी वैल्यू देखा जाए वर्सेस इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक देखा जाए तो सोलारा का जो है 2.8x है, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 3x पे है, तो वहाँ पे भी ठीक है। और फ्यूचर ग्रोथ देखा जाए इसमें 24.7% का फॉरकास्ट एनुअल अर्निंग ग्रोथ है इस दोस्तों, और कम से कम मैं इसको 6 में से 4 पॉइंट दूंगा। और बात करें यहाँ फ्यूचर ग्रोथ और फॉरकास्ट का दोस्तों, तो यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो है 24 है, जबकि इंडस्ट्री का 20 है फॉरकास्ट, और मार्केट का है 19, तो वहाँ पे भी ये लीड कर रहा है। और फॉरकास्ट एनुअल रिवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो वहाँ पर देखिए कंपनी का 14.2% है, इंडस्ट्री का 11.6 है, मार्केट का है 12 पॉइंट, वहाँ पे भी ये आगे चल रहा है। वहीं पर बात कर रहे हैं अर्निंग
पर शेयर ग्रोथ का, तो वहां देखिए यदि बात किया जाए 2023 तक इसका अर्निंग ईपीएस जो है वो एस्टिमेटेड है लगभग जो आपका हो जाएगा 193 से 100 के बीच में हो जाएगा, जो कि अभी 63.63 पे है और इसमें भी 28% का सीएजीआर देखा है। अब यहाँ पे बात करें फ्यूचर रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो वहां पे थोड़ा सा फ्यूचर आरओई देखा जाए तो कम हो सकता है, 3 सालों में इनका जो रहा है रहेगा 16.6% का, जो कि खराब नहीं है दोस्तों। और बात करें क्वालिटी अर्निंग है इस कंपनी में, ग्रोइंग फास्ट मार्जिन है जो कि 13.7% है, अर्निंग ट्रेंड जो है सोलारा का अच्छा खासा है, सिग्निफिकेंट अर्निंग है 48.4% पर ईयर ओवर द पास्ट 5 ईयर में इसने प्रूव कर दिया है, और एक्सेलरेटिंग ग्रोथ है सोलर में, सोलारा का अर्निंग ग्रोथ जो है पास्ट ईयर में देखा जाए 75.8% है, एक्सीड किया 5 ईयर एवरेज 48.4% को। और वहीं बात किया जाए अर्निंग वर्सेज इंडस्ट्री का, तो सोलारा का अर्निंग ग्रोथ ओवर द पास्ट ईयर देखा जाए 75.8 रहा है, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का 30.58 वहां से डबल है दोस्तों, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रेजेंट कर रही है अर्निंग ग्रोथ। वहीं बात कर रिटर्न एंड इक्विटी का दोस्तों, तो यहाँ पर रिटर्न एंड इक्विटी 14.4% है, जो कि कंसिडर बहुत लो है यहाँ पे अभी, 14 पॉइंट को मैं लो ही मानूंगा। और बात कर ले यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट देखा जाए तो वो ठीक ठाक है, और क्या रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो वो भी 15.9% है लास्ट ईयर में। वहाँ पर फाइनेंशियल हेल्थ देखा जाए दोस्तों, तो फाइनेंशियल हेल्थ में सभी जगह पे ये कंपनी अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एसेट की बात किया तो एसेट जो है 10.58 बिलियन रुपीज है, वहीं पे लायबिलिटी जो है 7.89 है, यानी कम है, एसेट से कम है। यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 15.56 एसेट है, जबकि लायबिलिटीज बहुत ही कम है, 2.32 जो है इनका लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म का, तो यहाँ दोनों पैरामीटर पे बहुत अच्छा है। और बात करें डेप्थ एंड इक्विटी हिस्ट्री देखा जाए तो डेप्थ लेवल देखा जाए सोलारा का डेप्थ इक्विटी रेशियो जो है 39% कंसिडर सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है, और सोलारा का जो डेप्थ है डेप इज वेल कवर्ड बाय द ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 25% कैश फ्लो है, और इंटरेस्ट कवरेज देखा जाए सोलारा का तो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट आर वेल कवर्ड बाय द एबिटा, एबिटा ने कवर किया 4.5x कवरेज है, तो ये इस पैरामीटर पे भी अच्छा है। डिविडेंड देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए कंपनी का डिविडेंड जो है 0.5% है, वहीं मार्केट बॉटम का देखा जाए तो 0.4%, तो बॉटम लाइन से तो ठीक है। और बात किया जाए अब मार्केट का टॉप 25% तो वहाँ पे 1.4 है, वहाँ पे ये कम है 0.8% है, तो डिविडेंड में थोड़ा कम है। अब बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग का, जो चीज़ें चल रही है दोस्तों वो हम बता रहे हैं, ये मई से चल रहा है और ये मई के बाद से जो हैंड एक्सचेंज हो रहे हैं उसी का नतीजा है कि ये 1600 से अभी 1200 के नीचे पहुंचा है। तो यहाँ पर देखिए बात करें यहाँ पे तो इनसाइडर बाइंग जो है सोलारा इंडस्ट्री इनसाइडर हैव बाउट मोर शेयर देन दे हैव सोल्ड इन द पास्ट 3 मंथ, तो वहाँ पर 3 सालों में अभी की बात करें तो 3 महीनों में जो उन्होंने सोल्ड किया उससे कहीं ज़्यादा इन्होंने बाई किया है इनसाइडर ने, और ये पूरा आप रिसेंट देख लेंगे ये डेवलपमेंट है इनका जो है आप देखेंगे। यदि आप देखें 10 मई से तो यहाँ पर देखिए सेल्स था और सेल्स के बाद यहाँ पे जो बाई किया है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में किया है, और यहाँ पर बाइंग लेवल देखा जाए दोस्तों आप 1500 पे ले गए हो सकता है फंस गए हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो बाइंग किया है इनसाइडर ने तो उन्होंने 1600-1700 के लेवल पे इसको बाई किया हुआ है, तो ये इसलिए नहीं बाई किया है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि ये कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है, और कुछ चीज़ें जो है जरूर इनसाइडर में चल रही है जिसको पता लगाना जरूरी है। और यहाँ पर देखा जाए अब बात करते हैं शुड यू एड सोलार एक्टिव फार्मा साइंस टू योर वॉच लिस्ट, देखिए इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है इनका अच्छा खासा है, मार्जिन अच्छा है, ईपीएस ग्रोथ जो है फोरकास्ट देखा जाए 63 से 2023 तक इसको 100 तक का एक रखा गया है कि वहाँ तक पहुँच जाएगा, तो वो चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी हैं। और बात कर ले थोड़ा सा हम लोग चले दोस्तों, अब देख लेते हैं अब क्या देखेंगे हम लोग, थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और डीप में देख लेते हैं, दूसरे पे स्क्रीनर का भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आरओई दिखा रहा है 17.2%, आरओसी दिखा रहा है 15.2, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है, और यहाँ पे बात किया जाए तो इनका मार्केट कैप जो है 4474 है, और 3 सालों का जो इन्होंने दिया है प्रॉफिट ग्रोथ 735% का दिया है, ईपीएस जो है 63.9 का है, तो इन सब पैरामीटर पर बहुत अच्छा है दोस्तों। और लो देखा जाए 9.6 तो लगभग लो के आसपास हो गया, मुझे लगता है कि यहाँ से एक्युमुलेट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं आप अपने हिसाब से देखिए रिसर्च कीजिए, मैंने जो रिसर्च किया है उसके हिसाब से तो अभी भी कॉन्फिडेंस बना के रखना चाहिए। और बात कर ले यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया है दोस्तों तो काफ़ी हिला देने वाला है यहाँ पे एक्चुअल में, यदि आपने 1600-1700 लेवल पे मैंने बनाया था और वहाँ से देखा जाए तो ये शेयर जो है यदि लॉन्ग टर्म में देखा जाए दोस्तों तो ये अच्छा पैसा बना के दे सकता है, और इस लेवल से देखा जाए तो और इस लेवल को कंपेयर किया जाए
तो लगभग लगभग आपको है 40% गिरावट यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन यहीं पर देखिए, ये जो है फरवरी में भी यही सीन चल रहा था और यहाँ से जो है, लेकिन मैंने ये बात जब वीडियो बनाई थी तो वहां पे मैंने 1600 का टारगेट ये दिया था। इस लेवल को यदि तोड़ता है दोस्तों तो यहाँ पे एक्चुअल में आपको क्या करना था, निकल जाना था यदि ऊपर के लेवल पर लिया था, और नीचे के लेवल पर आप एक्युमुलेट कर सकते थे। देखिए चार्ट का भी कुछ रेस्पेक्ट होता है, चार्ट का भी सेंटिमेंट होता है, यदि टूटता है तो काफी नीचे जाता है, और जब तक रिवर्स है उसके ऊपर नहीं आता तब तक फिर बाई नहीं करना चाहिए था। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, यह नहीं कि आपने ब्लाइंडली जो है उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसमें बने हुए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी देखिए इस लेवल को ही जब तोड़ा था तो देखिएगा लास्ट वीडियो जब बनाया होगा तो मैंने जरूर इस लेवल को आपको बहुत अच्छी तरीके से वॉच करने के लिए बोला होगा। और यहाँ पे देखिए इस लेवल पे है तो अब जो है यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है टेक्निकली जो है इस लेवल पे, जिस लेवल पे है यहाँ पे एक एक्युमुलेशन, यदि आपने आपको आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और यदि यहाँ पे तो है इसको जो है बाइंग किया जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें जो है पैसा बन सकता है। यदि 5 सालों का इसका देखा जाए, जब से लिस्टिंग हुई है तो लिस्टिंग जो हुई थी दोस्तों वह 5 सालों का देखते हैं तो वहाँ पे देखा जाए तो ये 5 साल पहले जो है देखा जाए तो यहाँ पे आपका 18 का लेवल देखा जाए तो 143 का था। वहां से देखिए इसने जो है 1354 पे अच्छा सपोर्ट लिया और काफी साल तक आप देखिए ये शेयर जो है 2 सालों तक इसी लेवल के आसपास रहा है, यानी इस लेवल के ऊपर रहा है 19 से फरवरी 19 से, और इस लेवल को सपोर्ट लेके अच्छा रनअप इसने दिखाया था। एक तरफा रनअप आपको देखने हुआ, अप ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और ये जो लेवल है दोस्तों, ये जो लेवल अभी दिख रहा है ये लेवल आपका क्या है, सपोर्ट लेवल है 1200 के, जो कि आज के डेट में क्लोजिंग बेसिस तो टूट चुका है। लेकिन हम जो है इसमें मैं चाहूंगा कि यदि आप रुकना चाहते हैं तो ये जो लेवल है आपका 1000 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं, और इसके बीच में जो नया एंट्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए वैल्यूएशन मैंने बता दिया, वैल्यूएशन वाइज इसका जो है फेयर वैल्यू जो है 4000 के आसपास आना चाहिए, वहां पे आपको 4 टाइम्स नीचे यानी नीचे मिल रहा है, यानी यहाँ से चार चार गुना तो इसका फेयर वैल्यू है। और जो बातें बताएं, इनसाइडर ने अच्छी खासी जो है बाइंग की है और उन्होंने जितना सेल नहीं किया उससे ज़्यादा बायर है इसमें इंसाइडर में, और ये जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं ये कहीं हैंड एक्सचेंज हो रहा है, और आने वाले समय में जब रैली आएगी तो इसमें बहुत तेज़ रैली आएगी और बहुत तेज़ भागेगा भी हो सकता है। और जो फार्मा का मैंने बताया कि जो आपका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 12.24% के आसपास है कि जो कि बहुत इंप्रेसिव है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक बार ध्यान में रखिए और अपना एक डिसीजन लेने के पहले जो है रिसर्च कीजिए, और अपने या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके ही कोई काम करें, मेरे कहने या किसी और के कहने पे कोई काम नहीं करना चाहिए, बस आइडिया लेना चाहिए और अपना जो है एक थिंकिंग को बिल्ड करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।